और NRC को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर पूरे सूबे में धारा 144 लगाई गई थी। उसके बावजूद भी जिले में भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त का वादा किया था, लेकिन आज जब लोग सड़कों पर उतरे तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। लोगों ने 4 रोडवेज बसों को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। यही नहीं, कई मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और उनके कैमरे गाड़ियां तोड़ दी। पूरे जनपद में अफरा तफरी का माहौल है। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ SP और DM मौके पर जमा हुए हैं। जमकर हुआ बवाल। सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग भी सड़कों पर CAA और NRC के विरोध में उतर आए। देखते ही देखते पूरा आंदोलन हिंसात्मक हो उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संबल सदर इलाके में जमकर उत्पात मचाया। रोडवेज की 4 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों के साथ ही मीडिया की भी गाड़ियां तोड़ डाली। कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। भीड़ के तेवर देख पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। भारी पुलिस फोर्स मौजूद। ADM AK सिंह और SP यमुना प्रसाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं। बाहर जिलों की भी फोर्स मंगा ली गई है। अब पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कह रही है।